कुल है तू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुतब सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुखालिफीन की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात के जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडियो में खाकसार अब्दुल नूर आबिद के साथ मोहतरम मौलाना हादी अली चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो इन एतराज़ात के जवाब देंगे। हादी साहब, सिलसिला ब्राहीन अहमदिया से शुरू है। अब जो मैं एतराज़ आपके सामने पेश करूँगा मुखालिफीन की तरफ से, वो भी ब्राहीन अहमदिया की एक इबारत से है। अब जो मामला है, मुखालिफीन ये कहते हैं कि हुजूर ने नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला की तौहीन की है, और वो जो अबारत पेश करते हैं उसका टुकड़ा एक पेश करते हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि हमारे सामीन को भी पता लगे। हुजूर फरमाते हैं, क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि इस ज़माने में खुदा सुनता तो है मगर बोलता नहीं, फिर बाद इसके ये सवाल होगा कि क्यों नहीं बोलता? क्या ज़बान पर कोई मर्ज़ लाहिक हो गई है मगर कान मर्ज से महफूज हैं? इस टुकड़े पे वो एतराज़ करते हैं कि देखें जी, मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि खुदा की ज़बान पे जो है ना वो मर्ज लाहक हो गई है। तो ये वो तर्ज़ एक बनाने की कोशिश करते हैं, अवाम नास में एक इश्तियाल पैदा करते हैं कि देखें खुदा ताला की तौहीन हो गई। इसके बारे में कुछ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। ये इस्तिज़ा और तहकीर के तज़हीक के इनके हरबे हैं। जो असल बात है, ब्राहीन अहमदिया हिस्सा पंजम सफ़ा 312 पे असल अबारत में तफसीली पढ़ देता हूँ ताकि पस मंज़र भी समझ आ जाए। इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की सिफ़त कलाम की बात फरमा रहे हैं, और वही जारी है, इल्हाम जारी है, अल्लाह ताला हम कलाम होता है अपने प्यारे बंदों से, वो मज़मून बयान फरमा रहे हैं। और इसी वही के बारे में फरमाते हैं, वो वही नेमत है जो मुकालमात और मुखातबत इलाहिया हैं, अल्लाह का मुखातब करना और मुकालमा करना, जिनके ज़रिए से उलूमे ग़ैब हासिल होते और खुदा की ताइदी कुदरतें ज़हूर में आती हैं। खुदा की वो नुसरतें जिन पर वही इलाही की मोहर होती है, ज़ाहिर होती हैं, और वो लोग उस मोहर से शनाख्त किए जाते हैं। इसके सिवा कोई माबहिल इम्तियाज़ नहीं। यानी मज़हब में अगर ये ज़िंदा निशान वही और इल्हाम के अल्लाह के कलाम के ना हो, मुखातबात और मुकालमात इलाहिया ना हो, तो किसे कहानियाँ रह जाती हैं? तो फरमाया, और जब तुम खुद मानते हो जो खुदा दुआओं को सुनता है, बस ऐ सुस्ती मानो और दिलों के अंधो, जब कि वो सुन सकता है तो क्या वो बोल नहीं सकता? ये सिफत क्यों मुअत्तल हो गई? और जब कि सुनने में उसकी कोई हद तक इज़्ज़त नहीं, तो फिर अपने बंदों के साथ बोलने से क्यों उसकी हद तक इज़्ज़त हो गई? तो ये समझा रहे हैं बात कि अल्लाह ताला में सारी सिफ़ात क़यामत तक और अखीर तक, अल्लाह ताला तो बहरहाल अब्दुल्लाबाद तक है, तो वो हमेशा उसके साथ हैं, कभी मुअत्तल नहीं होती। और वरना ये इत्काद रखो कि जैसा कि कुछ मुद्दत से इल्हाम इलाही पर मोहर लग गई है, वैसा ही उसी मुद्दत से खुदा की सुनवाई पर भी मोहर लग गई है, और अब खुदा नाउज़ुबिल्ला सुमन बुकमन में दाखिल है। क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि इस ज़माना में खुदा सुनता तो है मगर बोलता नहीं? ये तो नफ़ी कर रहे हैं, बजाय इसके इल्ज़ाम लगाएं उसमें से नफ़ी कर रहे हैं कि वो ऐसा कोई नहीं सोच सकता कि अल्लाह ताला नहीं सुनता, नहीं बोलता। फिर बाद इसके ये सवाल होगा कि क्यों नहीं बोलता? क्या ज़ुबान पर कोई मर्ज़ लाहिक हो गई है मगर कान मर्ज़ से महफूज हैं, जबकि वही बंदे हैं और वही खुदा है, और तकमील ईमान के लिए वही हाजतें हैं। बल्कि इस ज़माना में जो दिलों पर दहरियत गालिब हो गई है, बोलने की इसी कदर ज़रूरत थी जिस कदर सुनने की। यानी दहरियत को दूर करने के लिए खुदा के कलाम की ज़रूरत है, ज़िंदा हम कलाम होने वाले वजूदों की ज़रूरत है जो खुदा से इतना कुर्ब हासिल करें कि खुदा उनसे हम कलाम हो। तो फिर क्या वजह कि सुनने की सिफत तो अब तक है मगर बोलने की सिफत मुअत्तल हो गई है? ये पूरी तफसीली इबारत है पस मंज़र के साथ। तो इसमें एतराज़ तो कोई बात नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सादा ज़ुबान में तमसीली कलाम किया है कि खुदा ताला ना इस तरह बोलता है जिस तरह इंसान बोलता है, ना इस तरह सुनता है। तो तुम्हारे हिसाब से यह है कि जिस तरह वो बोलता है ज़ुबान से और ज़ुबान बंद हो गई है मगर सुनने की ताकत यानी कान उसके ज़िंदा है, वो सुन रहे हैं। तो ये जो तमसीली कलाम होता है खुदा ताला के ज़ात को मद्देनज़र रख कर उसके माने भी तमसीली होते हैं। और यहाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम एक मज़मून समझा रहे हैं कि वही जारी है, वो कभी भी मौकूफ़ नहीं हो सकती क्योंकि खुदा ताला की हर सिफ्त उसके साथ मुस्तकिल है, उसमें तातुल एक लम्हे के लिए होता है वरना वो सारी अपने हिसाब से जारी हैं, उस लिहाज से कभी तातुल नहीं होता, मुस्तकिल जारी हैं। अब ये देखें, कहते हैं कि इस अल्फाज से जो हज़रत मसीह ने इस्तेमाल किए कि कान मरज़ से महफूज हैं या इस तरह के जो हैं क्या मरज़ लाहक हो गई, तो ये खुदा का नाम बोलना जो है ये अल्लाह ताला ने एक और तरीके से अब मुसलमानों को आंसलम की उम्मत को समझाया है कि ये तो उस बछड़े की सिफत है जो सामरी ने बनाया था। अल्लाह ताला फरमाता है अवलम यरौन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहुम सबीला, सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 149। तो अल्लाह ताला की तो ये सिफत मुअत्तल नहीं होती, ये तो ऐसे वजूदों की जिनको ये लोग माबूद बनाते हैं उनकी सिफत है कि वो नहीं बोलते, इंसान उनके तरफ से कलाम कर रहा होता है मगर अल्लाह ताला बोलता है, वो ख़ुद बोलता है, ख़ुद वही करता है। तो अब देखें कि ये ऐसे अल्फाज जो हैं वो इनसे खुदा ताला की तौहीन होती है, यानी इस एतराज़ के दो पहलू हैं, एक ये है कि क्या ऐसे अल्फाज जो हैं इनसे तौहीन होती है और दूसरा ये कि क्या खुदा ताला अब भी कलाम करता है और अगर करता है तो किन से करता है। तो ऐसे अल्फाज को देखें कुरान करीम में। अब ये मेरे पास सऊदी अरेबिया का तर्जमातुल कुरान है शाह फहद अकेडमी का। तो यहाँ इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह वहुवा खादिऊहुम, और बेशक मुनाफिक अल्लाह से चालबाजियाँ करते हैं। अब ये खदा का लफ्ज़ है, युखादिऊनल्लाह, वो अल्लाह से चालबाजियाँ करते हैं और यही लफ्ज़ अल्लाह के लिए वहुवा खादिऊहुम, तो ये क्या हम कहेंगे कि तौहीन है? इसी वजह से इन्होंने तर्जमा तमसीली किया है, वो उन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है। तो जब अल्लाह के लिए कलाम होता है तो उसके माने तमसीली होते हैं। तो यहाँ हज़रत मसीह साहब ने जो कलाम किया है उसका ये मतलब नहीं है कि ज़ाहरी कानों की बात हो रही है। अब आएँ आगे चलते हैं, यही बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में लेकर जाते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्लिम की रवायत है किताब तौबा की, तो फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से ऐसा खुश होता है जैसे तुम में से कोई खाली ज़मीन में अपना गुमशुदा जानवर पावे, और जो शख्स मेरी तरफ़ एक बालिश्त नज़दीक हो मैं उसकी तरफ़ एक हाथ नज़दीक हो जाता हूँ, और जो एक हाथ नज़दीक हो तो मैं एक बा यानी हाथ के लंबाई की तरह तो नज़दीक हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ़ चलता हुआ आता है तो मैं दौड़ता हुआ उसकी तरफ़ आता हूँ। अब अल्लाह ताला तो नहीं दौड़ता, तो ये तहकीर के अल्फाज नहीं हैं बल्कि तमसीली कलाम है कि अल्लाह ताला का कुर्ब जो है उसमें तेज़ी आती है। इसी तरह देखें, अब आगे इससे भी और आगे चलें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी किताबुर रिकाक की रवायत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं बंदे से इतनी मोहब्बत करता हूँ तो उसकी समात बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ जिसके साथ वो सुनता है, और उसकी आंखें बन जाता, बसारत बन जाता हूँ जिसके साथ वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके साथ वो पकड़ता है, और फिर वह रिजलाहुल्लती यमशी बिहा, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो अब ये अल्लाह ताला का एक इंसान का पाँव बन जाना, इससे तहकीर हो जाती है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इस पर तो नहीं बोले क्योंकि ये ऐसा कलाम जब भी कोई खुदा का बंदा करता है वो तमसीली करता है। तो ये तमसीली कलाम है, इन अल्फाज से तहकीर नहीं होती, इंसान को समझाना मकसूद होता है। अब इससे भी आगे आएँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किताबुल बिर्रे वल अदब, ये मुस्लिम बाब किताबुल बिर्रे वल अदब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत के दिन, ए आदम के बेटे मैं बीमार हुआ, तूने मेरी खबर ना ली। अल्लाह ताला बीमार हो गया, वो कहेगा या परवरदिगार मैं तेरी क्यों कर खबर लेता, तू तो मालिक है सारे जहाँ का परवरदिगार। सारे जहाँ का परवरदिगार फरमाएगा तुझको मालूम नहीं मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ था, तूने उसकी खबर ना ली, अगर तू उसकी खबर लेता तो मुझको पाता उसके नज़दीक। ए आदम के बेटे मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझको खाना ना दिया। वो कहेगा ए रब मैं तुझको कैसे खिलाता, तू तो मालिक है सारे जहान का। परवरदिगार फरमाएगा क्या तू नहीं जानता मेरे फ़लाँ बंदा ने तुझसे खाना मांगा था, तूने उसको ना खिलाया, अगर तू उसको खिलाता तो उसका सवाब मेरे पास पाता। ए बेटे आदम के, इब्ने आदम मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने मुझको पानी ना पिलाया। बंदा बोलेगा मैं तुझे क्यों कर पिलाता, तू मालिक है सारे जहान का। परवरदिगार फरमाएगा मेरे फ़लाँ बंदा ने तुझसे पानी मांगा, तूने उसको नहीं पिलाया, अगर पिलाता तो उसका बदला मेरे पास पाता। तो ये खुदा ताला बीमार भी होता है, खुदा ताला भूखा भी होता है, खुदा ताला प्यासा भी होता है। तो ये समझने की बातें होती हैं। उठ के एतराज़ कर देना ये तकज़ीब करने वालों का काम है। देखें वही बातें, वही अल्फाज, उसी तरह के, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त। खुदा ताला बंदे का पाँव हो जाता है जिससे वो चलता है, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर एतराज़ उठता है तो इन अल्फाज का क्या करेंगे। अब आएँ पुराने अहदनामे में, इसमें यसाया की किताब में बाब 42 में आयत नंबर 15 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा, मैं खामोश रहा और ज़ब्त करता रहा। अब मैं दर्द जेह वाली औरत की तरह चिल्लाऊँगा, अब मैं दर्द जेह वाली की तरह चिल्लाऊँगा और हाँपूँगा और ज़ोर ज़ोर से सांस लूँगा। अब अल्लाह ताला दर्द जेह वाली औरत की तरह चिल्लाएगा। और ये यसाया की किताब में ये लिखा हुआ है, तर्जमे भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी छप रही है, हर जगह छप रही है। तो इसको क्यों नहीं तौहीन करार देते। तो बात यह है कि ये सारे तमसीली कलाम हैं और तमसीलात में कोई भी मिसाल दी जा सकती है। अब आएँ इसके अगले सवाल पर कि किससे बोलता है, किससे बात करता है। हाँ जी, क्या अल्लाह ताला भी कलाम करता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने साफ वाज़े अल्फाज में फ़रमाया है कि वो खुदा आप भी बनाता है जिसे चाहे कलीम, आप भी उससे बोलता है जिससे वो करता है प्यार। लेकिन अज़ीज़ सामीन, अज़ीज़ नाजरीन, मैं आपको एक मंज़र दिखाना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के सच्चे नबी थे। वो जब मबूस हुए, जिन लोगों ने आपको नहीं माना, क्या उन पर इल्हाम का, खुदा के कलाम का सिलसिला जारी रहा? नहीं, मुनक़ते हो गया। व इज़ ओहैतो इलल हवारियीना, अल्लाह ताला ने वो हज़रत ईसा के हवारियों की तरफ इल्हाम व कलाम मोड़ दिया। बाकी सारे जो रबाइज़ थे, उनके रिब्बीज़ थे, जो भी उनके उलमा कहलाते थे, उनसे मुनक़ते हो गया। एक शख्स भी यहूद में ऐसा ना था जिससे अल्लाह ताला बराह रास्त कलाम करता, हज़रत ईसा के हवारियों से करता। आगे आएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए, आपका इनकार करने वाले चाहे वो ईसाई थे या यहूद थे, उनसे खुदा का कलाम जारी रहा? मुनक़ते हो गया। और वो लोग जो मुशरिक थे, बुतों को पूजने, जब उन्होंने आपको कबूल किया, वो साहिब इलाम हुए। ये खुदा की तकदीर होती है। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मबूस हुए हैं, आपके ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनसे खुदा हम कलाम होता था। अफसोस के वो आपके दावे से पहले फ़ौत हो गए। ज़रा सा पीछे जाएँ, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी, 12वीं सदी के मुजद्दद साहिब इल्हाम, मुजद्दद अलफ़सानी रहमतुल्लाह, किताब मबदा व माद खोल के देखें, जगह जगह अल्हमानी रब्बी, ये अल्लाह ताला ने मुझे इल्हाम के ज़रिए बताया। हज़रत अब्दुल्ला गज़नवी, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ये इल्हाम जारी था। आपके दावे के बाद एक शख्स उम्मत मुसलमा में दिखा दें जो ये दावा कर सके कि खुदा मुझसे हम कलाम होता है, एक भी नहीं। अरब में जाकर ढूंढ लें, अजम में ढूंढ लें, एक भी नहीं मिलेगा। तो ये खुदा की तकदीर है, ये खुदा की फ़ेली शहादत है, जिससे पता चलता है कि खुदा बोलता भी है, कलाम भी करता है। ये तो आपको हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने बताया कि आपका ये अकीदा है कि खुदा के कान अब बंद हो गए हैं, खुदा की ज़ुबान बंद हो गई है, कान खुले हैं और ज़ुबान बंद हो गई है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये बार बार इल्तिजा करते हैं कि इस अक़ीदे को छोड़ें और खुदा की तरफ आएँ ताकि खुदा तुमसे कलाम करे, वो बने वक्त के मामूर को पहचान कर। आप फरमाते हैं ये जो वही इलाही है, जो इल्हाम इलाही है, ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है। देखें अल्फाज सुने, है गज़ब कहते हैं अब वही खुदा मफकूद है, अब क़्यामत तक है इस उम्मत का किस्सों पर मदार। यह गज़ब है कि किस्सों पर मदार हो गया। फरमाते हैं ये अक़ीदा बरखिलाफ़ गुफ्ता दादार है। ये पहले लोगों में यानी 1400 साल में सारे साहिब इल्हाम लोग थे जो बड़े बड़े औलिया और उम्मत के आइमा थे। फरमाया वो खुदा अब भी बनाता है जिसे चाहे कलीम, अब भी उससे बोलता है जिससे वो करता है प्यार। गोहरे वही खुदा क्यों तोड़ता है होश कर, एक यही दीं के लिए है जाए इज़्ज़ो इफ्तिखार। ये वो गुल है जिसका सानी बाग में कोई नहीं, ये वो खुशबू है कि कुर्बान जिस पे हो मुश्किल ततार। अल्फाज देखें किस तरह वही इलाही जो है ये ऐसी महबूब चीज़ है जो इस्लाम को रोशन करके दिखाती है। ये वो मिफ्ताह है जिससे आसमां के दर खुले, ये वो आईना है जिससे देख लें रूए नगार। खुदा का चेहरा वही से नज़र आता है। बस यही हथियार है जिससे हमारी फतह है, बस यही एक कसर है जो आफ़ियत का है हिसार। है खुदा दानी का आला भी यही इस्लाम है। खुदा को पहचानने के लिए ये कलाम अल्लाह ताला का कलाम है, उसका इल्हाम है खुदा दानी का आला भी यही इस्लाम में। महज किस्सों से ना हो कोई बशर तूफ़ान से पार, है यही वही खुदा इरफान मौला का निशान। जिसको ये कामिल मिले उसको मिले वो दोस्ता। ये कामिल चीज़ है, जिसको मिल जाए उसको खुदा मिल जाता है और ये इरफान मौला का निशान है। ये आप लोगों के पास नहीं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और उसकी जमात के साथ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा हादी साहब। नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़े दुश्मन को किया हमने बहुजत पामाल, सैफ का काम कलम से ही दिखाया। अहमदिया मुस्लिम जमात, इस्लाम में निशत-ए-सानिया की इलाही तहरीक।